फ्रेंड्स, अभी मैं जल्दी जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि पापा ने बोले कि गाड़ी को जो है नुकसान हो सकता है, और गाड़ी जहाँ मेरी लगी है वहाँ पे जो है गिर रहा है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मलबा आ चुका है। तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, तरदार ही है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं आप रास्ता, ये देखिए रास्ते में भी बारिश पानी जो है बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ है गाड़ी, मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज से, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दरारें देख सकते हैं आप। और जो मेरा गाड़ी लगाने की जो पार्किंग थी वहाँ से देख सकते हैं आप, आगे से गिरना शुरू हो गया है उस साइड से, गाड़ी मेरी यहाँ पे है। और ये देखिए आप पीछे से, अगर टाइमली नहीं बताया होता तो गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। ये देखिए इस तरह से जो है ये ऊपर से सारा गिरने वाला, ये देखिए अभी भी गिर रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा जो खेत है एक भाई साहब का, पूरा खेत गिर रहा है, ये देखिए अभी भी गिर रहा है सामने। ओह माय गॉड, ये हमारा गांव का रोड है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इधर। और एक गाड़ी देखिए आप, थोड़ा थोड़ा मैं टाइम से आ गया, और इसको थोड़ा साइड लगाता हूँ, अब देख रहा हूँ कहाँ लगाऊँ कोई सेफ सी जगह मिले तो। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सारा गिर चुका है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान। और यहाँ थी मेरी गाड़ी यहाँ पे, ये देखिए निचली साइड से भी जो है गिरना शुरू हो गया था, और टाइमली मैं आ गया, नहीं तो यहाँ मेरी गाड़ी थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरफ लगाई है अपनी गाड़ी, ये देखिए यहाँ लगाई है मैंने बिल्कुल आगे कॉर्नर पे, यहाँ पे पक्का चट्टान है नीचे, और यहाँ पे लगवाई है। ओह माय गॉड, फिर से गिर रहा है देखिए। और लगता है कि अगर सारी रात बारिश होती रही ना गाइस, तो इस सारा का सारा नीचे पूरा जो खेत है भाई साहब का सारा गिर जाएगा, ये देखिए। और मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है कि कहीं रात को मेरी गाड़ी को फिर से खतरा ना हो जाए, ये देखिए। और रोड देखिए आप, रोड के तो बिल्कुल बुरे हाल है, मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ये नया नया निकला हुआ रोड है गाइस और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको पॉइंट। ये देखिए आप गिरते हुए धीरे 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 करके जो है ये इतना गिर चुका है अभी अभी। और इधर देखिए आप, रोड तो बिल्कुल रोड नहीं लग रहा है, ये देखिए। लगातार बारिश गई, लगातार बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। और ये जो आप नीचे खड्ड देख रहे हैं ना, नोगली खड्ड, अगर इसको आप नज़दीक से देखोगे तो शायद आप अभी ऐसे लग रही है, लेकिन जब नज़दीक जाओगे तो बहुत ज़बरदस्त बह रही है। और देखते हैं गाड़ी को, शायद बाद में हटाना ना पड़े। ये देखिए ये तो अभी भी गिर ही रहा है, बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हो रहा है हमारे चारों तरफ जहाँ भी। हालांकि कई जगह से खबरें भी सुनने को मिल रही है, बहुत ही नुकसान हो रहा है गाइस। गॉड, और बारिश है कि लगातार लगातार रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। और दिखाता हूँ आपको हमारा रोड किस तरह से डैमेज हो चुका है। और जो मेरी गाड़ी है ना फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि ये एक महीने से पहले निकलने वाली नहीं है अभी इस रोड से, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है बिना गाड़ी के। ये वाला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स आप, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे भी जो है पूरी ज़मीन बैठ रही है, ये देखिए ऊपर से, ये देखिए पीछे से पूरा रोड है यहाँ पे, और ये देखिए परे तक बिल्कुल ही। और दोस्तों, जब मैं घर से निकल ही गया हूँ, क्यों ना आपको जो हमारी एक लोकल खड्ड है यहाँ पे इस रोड के ऊपर, जो इस जो पुल बना हुआ है वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का जो रूप है उस नदी का इस वक्त। और बारिश तो आप देख ही रहे हैं लगातार, बाकी रोड की कंडीशन भी दिखाता हूँ, और एक बड़ी खड्ड है उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये कोई नदी नहीं है गाइस, ये एक सिंपल सा एक कलवर्ट जो कुछ टाइम पहले बन के तैयार हुआ है यहाँ पे, और इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी ये निकल रहा है, ये देखिए ऊपर से पता नहीं कहाँ से ये इतना सारा पानी आ रहा है ऊपर से, मतलब बहुत ज़्यादा बरसात इस बार गाइस देखने को मिल रही है। ये हमारा रोड, और ये देखिए साथ गाइस रोड के साथ कितना लैंडस्लाइड। ओह माय गॉड, रोड नहीं खुलने वाला काफ़ी दिनों तक। सबसे बड़ी जो गलती कर दी मैंने गाइस अपनी गाड़ी,
इस रोड में लाके मुझे वहाँ खड़ी करनी चाहिए थी, वहाँ देखो देखिए मेन रोड जो है, ये देखिए दोस्तों हमारे जो खड्ड है ये, और ये तो गाइस अभी छोटी खड्ड है, बड़े वाली आपने देखी नहीं अभी। ये जो छोटी खड्ड इधर से बह रही है ना गाइस, ये वहाँ पे मिलती है बड़ी खड्ड में, लोगली खड्ड में, ये वहाँ है आगे, कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखाने की। जब यहाँ तक आ गया हूँ तो आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ, और थोड़ा इसको करीब से दिखाता हूँ जहाँ पे पुल है हमारा, और देखिए गाइस। और इधर जो है बिल्कुल रोड दिख, रोड की हालत देखिए आप, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, और आगे से भी नीचे गिर रहा है ये देखिए। अभी मैं मेरा पाँव आगे नीचे फिसल गया था और काफ़ी धक्क लग गई थी, काफ़ी डरावना दृश्य है गाइस। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। ये देखिए इस नदी का रौद्र रूप, ये देखिए सारा गिरने वाला है गाइस, ये देखिए सामने सामने जो है पत्थर गिर रहे हैं, और ये देखिए। और मुझे लगता है मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए आगे जाके, आगे भी रोड बंद है और मैं पुल के पास जाना चाह रहा था, लेकिन ये देख सकते हैं आप धीरे धीरे जो है यहाँ पे मेरे सामने सामने ही गिर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स रोड के हालात, और ज़्यादा आगे जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि कभी भी ऊपर से गिर सकता है। और ये देखिए नदी का विकराल रूप। एक मिनट दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ किस तरह का जो है मंजर है इस वक्त। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड बहुत ही खतरनाक सीन, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखिए गाइस, ये देखिए मुझे पीछे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि पीछे से जो है, ये देखिए ओह माय गॉड, इतना भयानक रूप मैंने नहीं देखा इस नदी का आज तक। ये देखिए और हमारा रोड, तो ये देखिए रोड देखिए गाइस किस तरह से बंद हो चुका है, ये देखिए। और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अपनी गाड़ी की, और ये देखिए जो हमारा नया पुल लगा है उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। ये देखिए ऊपर से देखिए आप, सारा नीचे गिरने वाला है थोड़ी देर में। और ये देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर जो है हमारे पुल के बिल्कुल साथ में आ गए, और पुल भी जो है इसके खतरा बन चुका है पुल के लिए। और नदी देखिए गाइस, और सामने का रोड देखिए, लगता नहीं है मुझे कि ये काफ़ी टाइम से खुलने वाला है, वो सामने तक सारा बंद हो चुका है गाइस, बहुत ही भयानक। और इस नदी के नज़दीक जाने की मेरी हिम्मत नहीं है गाइस, बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है ये नदी। और ये भी देखिए सामने, ये भी गिरने वाला है, और मैं इससे आगे मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये देखिए बहुत ही भयानक मंजर गाइस, बहुत ज़्यादा भयानक मंजर है गाइस, ओह माय गॉड। ये देखिए भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गाइस कि हमारा पुल जो है ये सेफ रहे, मलबा तो चलो हम किसी दिन हटा लेंगे। और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ गाइस, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, ओह माय गॉड। ये देखिए फ्रेंड जैसे जैसे मैं चलते जा रहा हूँ, और सामने सामने जो है ना बिल्कुल पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं, मतलब एकदम से जो है सामने पत्थर गिर रहे हैं, तो बहुत खतरा है गाइस, बहुत ज़्यादा। इसलिए सभी से यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले ऐसे मौसम में। हमारे रोड में देखिए गाइस बिल्कुल नदी बन चुकी है, ये देखिए वाह, बहुत ही डरावना दृश्य गाइस, बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे। और ये आप देखिए बड़ी नदी जो है आ रही है इधर से, वो देखिए नोगली खड्ड, और इसमें मिलते हैं गाइस यहाँ पे, ये जो है इसमें मिल रहे हैं यहाँ, देखिए बहुत ही डरावना दृश्य। और जो यहाँ नदी की जो आवाज़ है ना फ्रेंड, वो बहुत ही खतरनाक सुनाई दे रही है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खतरनाक मंजर दोस्तों। अभी मैं आपको बहुत ही ख़तरनाक मंजर दिखाने वाला हूँ, और मैं सभी को सलाह देना चाहूँगा कि बिल्कुल नदी नाले के करीब ना जाएं, आजकल बहुत ही खतरा है। और चलिए मैं थोड़ा दूर हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ नदी का रौद्र रूप, नोगली खड्ड का भयावह मंजर, ये देखिए नोगली खड्ड,
और वो। और गाइस मैं अपने खेत आया हूँ यहाँ पे। हमारे खेत जो है बिल्कुल नदी के साथ है और ऊपर है घर, थोड़ा सा दिखवा रहा होगा आपको स्क्रीन पे। काफ़ी समय के बाद जो है फ्रेंड इस तरह की बरसात हुई है इस बार, और ये दिख सकते हैं आप। हालांकि ये गाइस आपको मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल सामने अभी इस मंजर को देखते तो शायद इतना नज़दीक जाने से आप डर जाते। सामने देख सकते हैं आप एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि जो सिल्ट है वो बहुत ज़्यादा है और शायद 2-3 दिन तक जो है अभी मौसम जो है अभी ख़राब रहने वाला है, तो तब तक ये भी बंद रहेगा। माय गॉड, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। ओह माय गॉड, तो दोस्तों मैं खाता हूँ सेब। आप देखिए ज़्यादा नहीं है तो दोस्तों ये थोड़े थोड़े मैं आपको एप्पल दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही है, अपने लायक हैं, बेचने लायक नहीं है। इधर देखिए। तो फ्रेंड्स बारिश तो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे जल्द एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके। तो फ्रेंड्स मिलेंगे जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।